हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीपीएस इंस्टॉलेशन नॉलेज में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अशोक लीलैंड की जीपीएस की इंस्टॉलेशन। BS6 मॉडल गाड़ी है ये। इसके अंदर मैं विदाउट वायर कटिंग के जीपीएस इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ। तो जो दोस्त नए हैं चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जो दोस्त पुराने हैं, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उनको इस गाड़ी के अंदर जीपीएस की इंस्टॉलेशन करने में कोई इशू ना आए। दोस्तों ये गाड़ी है, देखो अशोक लीलैंड की 1920HH 24 वोल्ट बैटरी के साथ आती है गाड़ी। तो अभी मैं आपको इसका कैबिन वगैरह दिखाता हूँ, इसका जो फर्स्ट प्रोसेस वगैरह करके हम अभी देखेंगे। ये इसका डैशबोर्ड है, इस तरीके का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ये इसका गियर बक्सा है, 6 गियर के साथ आती है गाड़ी ये। और ये देख लो भाई, इसका कैबिन कितना बढ़िया कैबिन है, एकदम शानदार बना के रखा है, एकदम अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, अभी बनी है गाड़ी। तो ये दो वेरिएंट के अंदर आती है गाड़ी। एक तो इस तरीके का मीटर मीटर मिलेगा आपको देखने को, और एक दूसरे तरीके का होता है। ये जैसे अभी ऊपर है वो अंदर की तरफ होता है। इसके अंदर ये मोबाइल चार्जर वगैरह भी लगा के दिया है लीलैंड कंपनी वालों ने। इस बार पहले इसमें नहीं आता था ऐसा चार्जर, अब काफ़ी चीज़ें इसके अंदर बदलाव किया हुआ है। तो मैं अभी इसके अंदर विदाउट वायर कटिंग के आपको GPS लगा के दिखाने वाला हूँ। तो इसके अंदर आज हम जो है अपना ब्लैक बक कंपनी का ये BB100, नॉर्मली इसको C100 के नाम से जानते हैं, अटलांटा का डिवाइस होता है, लेकिन ब्लैक बग ने अपनी खुद की ब्रांडिंग की हुई है इस पर। ये इसकी वायरिंग है, इसकी वायरिंग थोड़ी अलग है, ब्लैक अर्थ की है, ग्राउंड अर्थ पे जो लगेगी, और ग्रीन इग्निशन की है। जो बाकी डिवाइस हम लगाते हैं उसके अंदर ऑरेंज लगभग मिलती है, तो इसके अंदर ग्रीन है इग्निशन की, रेड पावर की, और रिले कमांड की जो वायर है वो वाइट वाली है। तो मैं अभी बिना वायर कटिंग के इसकी इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ, दिखाता हूँ आपको इंस्टॉलेशन करके। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारा, चाबी को ऑन करके हमें स्टार्ट वगैरह करके देखनी है गाड़ी। चाबी को ऑन कर लेंगे, ऑन होने के बाद इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको। अभी गाड़ी न्यूट्रल नहीं है, तो इसे एक बार न्यूट्रल कर लेते हैं पहले। अब एन लिखा हुआ आ गया इसके अंदर, गाड़ी न्यूट्रल हो चुकी है। तो अभी एक बार स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। तो स्टार्ट में कोई इशू नहीं है, स्टार्ट भी ओके है। तो इसके अंदर अब अपनी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं बिना किसी वायर कटिंग के। पहले इसका जो है मीटर ओपन कर लेंगे, चार पेज खोल लें। ये चार पेज खोलने के बाद इसका मीटर निकल जाएगा, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ निकाल के। तो अब हमने इसके चारों पेज खोल लिए, ये काफ़ी लंबे लंबे पेज होते हैं तो काफ़ी दिक्कत से खुलते हैं। चारों पेज खोलने के बाद ये इस तरीके से ऐसे निकालोगे तो ये ऐसे निकल जाएगा। अभी चार पेज और खोलने पड़ेंगे भाई। इसके अब हमने जो है बाकी के चार पेज थे अंदर के, वो भी खोल लिए। ये छोटे छोटे पेज हैं, आराम से निकल जाते हैं। तो इसके बाद आपको ये ऐसे आप इसे निकालोगे, आराम से निकल जाएगा। अब हम यहाँ नट में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा अंदर लगाएंगे तो। तो हमें जो है इसकी चाबी वाली जो वायर चाहिए होती है, ये इसकी मेन सप्लाई की वायर है, और ये इसकी जो है इग्निशन वाली है। इसके अंदर इग्निशन, सेल्फ और लाइट, तीन वायर होती है, और इसके अंदर जो है मेन सप्लाई आ रही है। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेंगे, इसके अंदर एक लॉक सा बना हुआ होता है, इसे दबाएंगे और यूँ निकालेंगे निकल जाएगा, ऐसा निकल चुका है। और सेम ही इसके अंदर भी होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक है, इसे हम प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा ऐसे। तो ये जो है इसकी ये चाबी वाली साइड हो गई, और इसकी ये साइड जो है ये बैटरी साइड से आ रही है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, हम यहाँ से इसमें लगा देते हैं। तो अभी जो है यहाँ पे हम इसे नट को खोल लेंगे, यहीं पे हम अपनी अर्थ को लगाने वाले हैं। अब इस नट के अंदर अपनी अर्थ लगा देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने इसके अंदर देखो प्रॉपर तरीके से अर्थ को लगा दिया है। तो अर्थ लगाने के लिए थिम्बल का यूज़ ज़रूर करें, इससे क्या है प्रॉपर अर्थ लगता है और आपकी तार वार नहीं कटती है। तो इस तरीके से अर्थ को लगाना है। अब पावर इग्निशन कनेक्शन करके दिखाता हूँ अभी आपको मैं। तो इसका ये जो है इसके अंदर देखो आप, ऐसा आप देखोगे इसके अंदर, इसमें एक लॉक होता है, इसे पुश करेंगे और ये बाहर निकल जाएगा पूरा प्लग। और सेम प्रोसेस इसमें भी करना है हमारे को, यहाँ पर भी हम इसे दबाएँगे, इसके अंदर जो आपको प्लास्टिक का ये दिख रहा है पिन सा, इसको ऊपर करेंगे और ये निकल जाएगा आराम से थिम्बल। तो यहाँ पे कोई तार नहीं काटने वाले।
ये हमने इसका थिम्बल निकाला था, ये इसके अंदर ये लगे हुए होते हैं, इसके अंदर था वो, ये ऊपर से रबड़ का कवर लगा हुआ होता है, तो ऐसे लगाएंगे पीछे से ताकि ये लूज़ वगैरह ना हो, और इसकी जो है लॉक इसको वापस उठा देंगे, और इसके अंदर जो है इसे ऐसे लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे वापस लगा दिया, कवर के अंदर भी हो गया ही और रबड़ के अंदर भी, इनसाइड वाले पे इस पर लगा देंगे और फिर डिवाइस कनेक्ट कर देखेंगे पावर आई है कि नहीं। अभी हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया है इसके अंदर, अब हमने अपना डिवाइस जो इसमें लगाया कनेक्ट किया है, तो हमारे इसमें पावर आ चुकी है, लेकिन ये अभी ये एक्टिवेट करोगे तो एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ये साइड में कवर दिया हुआ है, इसे ओपन करने के बाद इसके अंदर एक स्विच होता है, वो स्विच भी ऑन करना पड़ता है, उसके बाद ही इसके नेटवर्क वगैरह काम करते हैं। इस तरीके से ओपन करेंगे और ये देखो यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, अभी ये ऑफ पे है, तो इसे ऑन कर लेते हैं। इस तरीके से ऑन हो जाएगा, अभी ऑन हो चुका है, अब रेड के साथ एक ग्रीन भी जलने लग गई है लाइट, अब थोड़ी देर के बाद ये ग्रीन और ये इसमें ब्लू लाइट जब जल जाएगी, देखो ग्रीन लाइट अब जल चुकी है, जब यहाँ दोनों लाइट ब्लिंक करने लग जाएंगी तो इसमें नेटवर्क पूरी तरीके से आ जाएंगे, तब तक हम अपने बाकी के आगे के कनेक्शन कर लेते हैं रिले के। यहाँ पे इसके ऊपर ये रबड़ लगी हुई है, इसको पहले हटा लेते हैं, ये भी टेप हटानी पड़ेगी हमारे को। अब इसके अंदर मुझे पता है कि ये जो सबसे ऊपर वाली जो पिन होती है ये इग्निशन की, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मल्टीमीटर की मदद भी ले सकते हैं। इसके अंदर ये जो रेड और येलो वाली देख रहे हो आप वायर, यही इग्निशन की है इसके अंदर। ये यहाँ से इसको इसके लॉक को उठाएंगे और ये जो तार है इसको दूसरे पेचकस की मदद से हमें खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें जगह बहुत कम है, हाथ से नहीं खींचेगा। यहाँ पे ऐसे अटकाना है इसे और ये यहाँ से ऐसे पिन पेचकस की मदद से ऐसे करना है, ये इस तरीके से वायरस की बाहर आ जाएगी थिम्बल के साथ। अब जो हमारे पास जो 24 वोल्ट का ये रिले है इसे हम लगाएंगे इसके अंदर, जो मेल साइड हमने निकाली थी उसी मेल साइड के अंदर इसको वापस से लगा देते हैं। थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ से लगाने में, लेकिन ये अंदर रहेगा तो सेफ रहेगा, जैसे कि पहले लगा हुआ था। तो इसे लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही अच्छे तरीके से वायरिंग कैसे होती है ये सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ बिना किसी वायर कटिंग के। किसी भी गाड़ी के अंदर अगर इंस्टॉलेशन करना सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब जो मैंने बताया था ये इग्निशन वायर, इसको थोड़ा लंबा छील लेते हैं, अब यहाँ पे इसे लगा के ये दो वायर अभी हमारी बची है कनेक्शन के लिए। तो सबसे पहले अभी हम इग्निशन को डन कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छे तरीके से इसे ऐसे डाल के लपेट देंगे तो लूज़ वगैरह का कोई चांस नहीं रहता। अब इस पर टेप कर देंगे, टेप टाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, कहाँ पे टेप वेप लगानी है, टाई भी लगानी है। तो यहाँ पे हमने अपनी पूरी टेप लगा दी अच्छे से, और इसका ये जो है प्लग हमने निकाल रखा जिस साइड से, उसके अंदर में से वापस से लगा देते हैं, तो ये सेट हो चुका है। तो हमारे जो है पावर और इग्निशन वाली जो रिले के साथ कनेक्शन है वो डन हो चुके हैं, अभी ये दो वायर रह गई है, ये भी अभी मैं करके दिखाता हूँ। अब पहले अपना डिवाइस देख लेते हैं, उसमें लाइट ब्लिंक हो गई क्या, तो इसमें लाइट देखो दोनों बिलिंग होने लग गई है, तो इसमें नेटर आ गए हैं, तो अभी मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ। पहले मैंने अपने जो है डिवाइस का डाटा चेक कर लिया है, इसमें डाटा प्रॉपर आ रहा है,
तो अब हम अपनी आगे की जो बची हुई वायरिंग है वो कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारी जो दो वायर बची थी, एक है वाइट वाली, इसको छील लेंगे, पीली वाली को छील लेंगे। तो अभी हमने जो ये रेड वाली वायर इसमें पावर में लगाई थी, इसको हल्का सा छील लेते हैं। अब इसके अंदर अपनी जो है वाइट वाली वायर अटैच कर देंगे। गाड़ी की हमें कोई वायर नहीं कट करनी है, कोई भी छीलनी छालनी नहीं है, क्योंकि इसकी वारंटी चली जाती है गाड़ी की वायरिंग की। इस पर टेप कर दिया हमने, और अब लास्ट वायर हमारी रह गई है, ये है हमारी लॉक वाली वायर, जिससे हमारी गाड़ी लॉक होती है। इसको इस पे लगाएंगे और इसको एक बार टेस्ट के लिए, अभी दिखाता हूँ टेस्ट कैसे होता है रिले। कई बार ऐसा होता है कि हमारा रिले भी ख़राब निकल जाता है, तो उसके लिए हम जो है टेस्ट करेंगे। पहले सबसे पहले जो है अपनी गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद ये जो हमारी येलो वायर थी रिले की लॉक वाली, इसको जैसे ही हम इसमें अर्थ में कहीं पर टच करेंगे तो गाड़ी के मीटर की लाइट चली जाएगी, अगर रिले सही होगा तो। तो यहाँ पे हमारी जो है गाड़ी की मीटर की लाइट जा चुकी है, रिले हमारा सही है, हटाएंगे लाइट आ जाएगी। तो अब इस पर भी टेप कर देंगे, प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हमारी सारी टेपिंग हो चुकी है, तो अब टाई की मदद से सारी तारें बांध देता हूँ मैं, अभी दिखा। तो दोस्तों हमने इसके ऊपर ये टाई सारी लगा दी है, पूरे अच्छे तरीके से टाई और टेप कर दिया है, सब कुछ ओके है। डिवाइस पैक करके गाड़ी को पूरी तरीके से पैक कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी जो वायरिंग डन हो चुकी है, इसकी डिवाइस हमने यहाँ पे लगाई है इस तरीके से पन्नी में पैक करके, ताकि पानी नहीं जाए। और ये यहाँ पे इसका अर्थ लगा दिया है। तो अभी हमने इसका ये ऊपर वाला जो है पार्ट इसको लगा दिया है, मीटर के ऊपर ये पेच सारे कस दिए। अब इसके ऊपर जो है इसका जो कवर था इसको लगा देंगे, इसको लगा के इसके पेच लगा देंगे चारों, और फिर एक बार इसको स्टार्ट वगैरह करके चेक करते हैं हम इसको। तो दोस्तों हमारी गाड़ी जो है पूरी तरीके से पैक कर दी है हमने, तो एक बार इसको स्टार्ट वगैरह करके चेक कर लेंगे। तो ऑन हो चुकी है गाड़ी, न्यूट्रल है, स्टार्ट कर लेंगे। गाड़ी के स्टार्ट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, तो कस्टमर गाड़ी हैंड ओवर कर देंगे। दोस्तों हमारी इस गाड़ी की जो है इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।